आज के इस शुभ दिन के पूर्व दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। कल शिवरात्रि है, लेकिन उससे पूर्व का जो दिवस है, आज का जो दिन है, वो हमारे लिए इस अर्थ में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि हम आज अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर करेंगे कि कल हम शिवरात्रि के उत्सव मनाने के लिए, शिव को जानने के लिए, समझने के लिए हम अपने में योग्यता को धारण कर सकें। शिवरात्रि वाले दिन ही आकर के हम सोचें कि उसी दिन हम सब कुछ कर लेंगे, उसी दिन हम सब ज्ञान ग्रहण कर लेंगे और हमारा शरीर और मन उसी दिन उसके लिए योग्य होगा, उस शिव को ग्रहण करने में, तो उसमें कठिनाइयां हो जाती हैं। क्योंकि साल भर इन कार्यक्रमों को जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक इस संस्कार प्रक्रिया से नहीं निकलेंगे, तब तक बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं कि अनुभव जो ऐसा होना चाहिए वैसा वो अनुभव नहीं हो पाता। तो इसलिए विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी सेंटर अंबाला छावनी के द्वारा उनसे जब हम लोगों ने निवेदन किया कि इस कार्यक्रम को आप आयोजित करें ताकि अगले दिन हम लोग शिव के उत्सव को मनाने के लिए बिल्कुल तैयार हों, मन से भी और शरीर से भी, तो उसकी तैयारी करने के लिए आज का ये दिन हमने चुना है। और उसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा ब्रह्मा कुमारी अंबाला छावनी के केंद्र का, और उनका अभिनंदन भी करना चाहूँगा जो हमारे साथ आज के मुख्य वक्ता के रूप में ब्रह्मा कुमारी आदरणीय गोभी शैल जी, और उनके साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय ब्रह्म कुमारी प्रीति जी, और उनके साथ ही हमारे सम्मानित भाई ब्रह्म कुमार राकेश मेहता जी, जिनकी एफर्ट से, जिनके इन प्रयासों से आज का ये हम संक्षिप्त कार्यक्रम लेकिन महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित कर पाए। जैसा कि आप लोग सभी इस चित्र पे देख पा रहे हैं कि ये शिव एक अपने आप में प्रतीक हैं, और इस प्रतीक के विभिन्न पक्ष हम लोग उस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आप टॉपिक को जरूर देख लें कि हमारा ये प्रयास रहा है कि ब्रह्मा कुमारी और सनातन धर्म मिलकर के, सनातन धर्म कॉलेज मिलकर के शिव के विषय को लेकर के, जो उसके कॉन्सेप्ट, जो उसकी अवधारणा है, उसको, उसके पीछे जो फिलॉसफी दर्शन है, उसको भी हम देख लें। और साथ ही साथ, क्योंकि सौंदर्य बहुत गहरे से शिव के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी हम बातचीत करेंगे अभी विषय प्रस्तुत करने से पहले, और साथ ही साथ उस उत्सव को, सौंदर्य के उस उत्सव को कैसे मनाएं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो कार्यक्रम हमारा संक्षेप में जो रहेगा, लगभग 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, उसमें वेलकम एड्रेस जो है, स्वागत वचन जो है, श्री ब्रह्म कुमार राकेश मेहता जी वो अभी मंच पर आएंगे, और हमारी जो मुख्य वक्ता रिसोर्स पर्सन है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शैली जी, और उसके साथ उसके बाद हम कोई प्रश्नोत्तर भी लेंगे जो भी चर्चा होगी, और अंत में जो हमारे वोट ऑफ थैंक्स है हमारे सीनियर कुली एसटी कॉलेज के डॉक्टर रमेश मदान, जो हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एसटी कॉलेज में, और ब्रह्मा कुमारी के साथ ये पहले काफ़ी जुड़े रहे हैं और इनके कुछ एक अपनी ऑब्जर्वेशंस संस्था के लेकर के भी रही हैं, बड़ी सकारात्मक इन्होंने कई बातें मेरे साथ साझी की जब कल मैंने इनके साथ बातचीत की कि इस तरह का हम कार्यक्रम आयोजित करें। तो मैं समय न लेते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय ब्रह्म कुमार राकेश मेहता जी को कि वो इस विषय के बारे में हम सबको अवगत कराएं, और फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम हम संचालित करेंगे। ओम शांति। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा सनातन धर्म कॉलेज के पूरी मैनेजमेंट कमेटी, आदरणीय हमारे प्रिंसिपल साहब राजेंद्र राणा जी का,
और साथ ही इस कार्यक्रम को स्वरूप देने और यहाँ तक पहुँचाने में हमारे बहुत ही सहयोगी आदरणीय डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी का, हमारे बीच आज डॉक्टर मदान जी भी उपस्थित हैं। जैसा कि अभी इनके परिचय में बताया गया कि हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और इसके अदरवाइज भी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़कर बहुत सी सेवाएं देते रहते हैं अम्बाला और अम्बाला के आसपास के क्षेत्रों में। हमारे बीच आज आदरणीय शैली बहन जी जो मुख्य वक्ता हैं, उनके साथ साथ बहन प्रीति जी भी हैं। हम इनके विचार अभी कुछ ही देर में सुनेंगे। आज का जो ये विषय है, शिव की अवधारणा और दर्शन, और साथ ही साथ उसका जो मनाने का, जो उत्सव मनाने का जो एक तौर तरीका या रस्म है, और साथ ही साथ शिव के सौंदर्य की भी बात करेंगे। अभी हम एक गीत भी सुन रहे थे, शिव ही सत्य सत्य है, शिव ही सुंदर है। मैं समझता हूँ 1 घंटा शिव को और शिव के उत्सव को जानना बहुत ही कम है, लेकिन एक प्रयास है, हम उस चीज को कहीं ना कहीं सेंसिटाइज करने की कोशिश करेंगे इस विषय को, कि आज तक हमने शिव को केवल केवल एक आराधना साधना का का स्वरूप स्वरूप, उसे केवल हमने या तो भय के, अर्थात भय के संदर्भ में उसको पूजा, सुख शांति की कामना करने के लिए, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए हमने उन्हें माना, और कहीं ना कहीं ये एक केवल आस्था का विषय रह गया है जो परंपरा से चलता आया है। मैंने किया, मेरे पूर्वजों ने किया, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। बहुत समय से हम सब शिवरात्रि मनाते आ रहे हैं और हम देखते हैं कि भगत बहुत ही तन्मयता से मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, बहुत से कर्मकांड करते हैं, लेकिन फिर एक दिन की इस त्योहार के बाद फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। तो आज थोड़ा सा गहन विषय है, हमें चिंतन करने का मौका मिला है ऐसे बुद्धिजीवियों में, ऐसे शोधकर्ताओं में, जहां पर हम इस विषय को व्यापक रूप से समझ सकते हैं। केवल आज तक हम मंदिरों में, मठों में और ऐसे स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर केवल चिंतन और गायन करते आए, लेकिन समझने में हमें कहीं ना कहीं भूल हो गई। अगर हम इन्हीं चीजों को समझ करके करते तो और ज्यादा प्राप्ति, मैं समझता हूँ, हो सकती है। परमात्मा शिव के बारे में बहुत कुछ बहुत लोग जानते हैं, बहुत अच्छी इनको उपाधि भी दी गई है, अनेकों नामों से जाना गया है। नाथ और ईश्वर शब्द इनके पीछे लगाकर हम इसका उपयोग भी बहुत ज्यादा करते रहते हैं, लेकिन आज जो हम विशेष यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम उनके बारे में, जिसे ज्ञान का सागर कहते हैं, शांति का सागर, प्रेम का सागर कहते हैं, गुणों का अथाह सागर है, उससे कुछ ना कुछ ग्रहण करना चाहेंगे। तो ऐसा ही एक विचार मेरे मन में आया कि हमने बहुत से प्रोग्राम किए, हर शिवरात्रि पे हर साल करते हैं, तो आज क्यों ना ऐसे बुद्धिजीवियों में आकर के एक पे चर्चा की जाए। तो मैं फिर से एक बार पूरी सनातन धर्म कॉलेज का और इनकी मैनेजमेंट कमेटी सहित डॉक्टर आशुतोष का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आज ये विषय हम सबके बीच में रखा गया है। कुछ एक मेरी भी इच्छाएं हैं जो मैं चाहूँगा कि बहन जी कवर करें अपने टॉपिक में। जैसे इसे ज्योतिर्लिंग कहा गया, इसकी सौंदरता के बारे में कहा गया और इसके विभिन्न रूपों के बारे में कहा गया, तो मुझे उम्मीद है, पूरी आशा है कि वो अपने विषय में इसे जरूर कवर करेंगे। तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय बहन शैली जी को, वो मंच पर आएं और अपना प्रस्ताव हम सबके सामने। धन्यवाद। मैं 1 मिनट और ले लूं आपको आमंत्रित करने के लिए। जी, भाई ब्रह्म कुमार जी ने, राकेश जी ने बड़ी अच्छी बातें हमारे सामने रखी हैं, और इसका उद्देश्य भी, आज के इस वेबिनार का उद्देश्य भी बहुत स्पष्ट कर दिया है।
और बल्कि मैं कहूंगा कि उन्होंने मेरी बात का ही समर्थन करते हुए उस बात को बहुत स्पष्ट रूप में प्रस्तुत कर दिया है। मुख्य वक्ता को आमंत्रित करने से पूर्व जो हमारे भीतर कुछ एक प्रश्न होते हैं, क्योंकि ऐसी ऑडियंस जो प्रश्न लेकर के आती है, निश्चित रूप से वो ज्ञान का ज्यादा लाभ ले पाती है बनिस्पत इसके कि अगर हम केवल सुनने के लिए आ जाएं। तो मन अगर थोड़ा सा विचलित हो, थोड़ा सा प्रश्नों से युक्त हो, तो मुझे लगता है कि श्रोता के वक्ता के द्वारा जो कुछ कहा जाएगा उसको हम ज्यादा सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक उसको ग्रहण भी करेंगे और वो हमारा हित भी करेगा और हमें दिशा निर्देश भी प्रदान करेगा। आप ये जो सामने कुछ एक चित्र देख रहे हैं कि जैसा कि राकेश जी भी बात कर रहे थे कि ये समाज में प्रचलित इस तरह के कई शिव के रूप हमारे सामने हैं। एक और वो घर गृहस्थी के साथ भी जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ वो समाधि में भी बैठे हुए हैं, तीसरी तरफ उनके साथ गंगा भी जोड़ दी गई है, चौथी तरफ उनको कामदेव का भस्म करते हुए भी दिखा दिया गया है, और फिर उनका एक पूरा का पूरा ऐसा परिवार है जो हिमालय पे रहता है, जहाँ पे पशु पक्षी तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि भी बैल भी है और वहां पर चूहा भी साथ ही रह रहा है। तो एक अजीबोगरीब सी व्यवस्था हमें वहां देखने को मिलती है। और साथ ही साथ बीच में जब हम शिवलिंग को बना लेते हैं जिसके चारों ओर ये सारे बातें इकट्ठी हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे सामने उन मसलों को समझना, सुलझाना, उनके सौंदर्य पक्ष को, उनके दर्शन को, उसके मनोविज्ञान के पक्ष को जानना बहुत जरूरी है। एक बात और कह करके मैं आमंत्रित करूंगा आज की हमारे मुख्य वक्ता को, आदरणीय मुख्य वक्ता को, कि शिव के तीन चार पक्षों से आधे अधूरे से हम लोग परिचित हैं। पहला जो पक्ष है वो है वैदिक पक्ष, जो वेदों में कहा गया है, जो कि तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु इस तरह के जो मंत्र हमें देखने को मिलते हैं उसको लेकर के हैं, और उससे जुड़े हुए अन्य सारे पक्ष हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे रुद्र शब्द भी प्रयोग हो रहा है और भी बहुत सारे। दूसरा पक्ष हमारे सामने आ जाता है पौराणिक शिव के रूप में, जहाँ पर वो पार्वती के साथ चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और प्रश्न उत्तर के रूप में ही सारे के सारे संवाद चल रहे हैं। तो इसलिए पुराणों का अपना एक विशेष प्रकार का महत्व है जो हमें ये बताता है कि संवाद शायद शिव की शिवता का एक बहुत बड़ा पक्ष है। तीसरा जो पक्ष है तांत्रिक शिव, जिसे आप कह सकते हैं कि तंत्रों में जहाँ अघोर साधना सारी चीजें आप देखते हैं, उस रूप में भी शिव का हमें एक रूप देखने को मिलता है। तीसरी तरफ साहित्यिक रूप भी हमें शिव का देखने को मिलता है, जो हमें कई प्रकार के घटनाक्रमों में मिलता है, जैसे कालिदास का जो कुमार संभवम काव्य है उसमें अगर आप देखें तो आपको साहित्यिक शिव का रूप मिलता है, और साथ ही साथ अगर आप उनकी भावनाएं देखें तो उसमें भी उनका जो दार्शनिक और साहित्यिक पक्ष है उसमें उभर कर आता है, जहाँ पे वो नांदी आदि में देखते हैं। एक अन्य जो पक्ष है वो है कश्मीरी शैवों का पक्ष। पूरी कश्मीर फिलॉसफी जो है वो शिव के चैतन्य रूप के ऊपर निर्भर करती है, जिसे आध्यात्मिक शिव हम कहते हैं या बाकी सारी बातें जिससे संबंधित हैं हमारे। तो ये सारे सारे पक्ष हमारे सामने हमें अपनी परंपरा में उपलब्ध होते हैं। इन सारे जो परंपरा के जितने आयाम हैं इनको समेटना कैसे है ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे, ताकि कल का दिन जब उसमें उपस्थित हों तो फिर शुभ के लिए हम पूरे तैयार हों कि उनकी पूरी की पूरी कृपा हमारे पर उतरे। और अंतिम जो नीचे आप एक देख रहे हैं शिव प्रतीक, कि ये प्रतीक को हम कैसे सुलझाएं, क्योंकि लोग प्रतीकों को अंतिम सत्य मान लेते हैं जबकि प्रतीक माध्यम होते हैं इन सब ज्ञान चर्चाओं के लिए। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अत्यंत आदरणीय ब्रह्मा कुमारी दीदी शैली जी को कि वो आए और हमारे साथ इस विषय पर अपनी बातचीत करें। ओम शांति। हम सबके आराध्य परमपिता परमात्मा के जन्मोत्सव महाशिवरात्रि के पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई। पूरे ब्रह्मा कुमारी परिवार जो आज
विश्व के 140 देशों में फैला हुआ है। आज ब्रह्मा कुमारीज में मनाए जाने वाले विभिन्न महोत्सव, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस या अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स में सबसे बड़ा फेस्टिवल के रूप में हम महाशिवरात्रि को मनाते हैं। न सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज की बात है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में शिव को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हम सभी देखते हैं कि श्री राम जी को जब रावण पर जीत पानी थी, उन्हें शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि दिखाया गया कि रावण भी बहुत महाबलशाली था और उसे भी कई वरदान प्राप्त थे, लेकिन क्योंकि वो बुराई की ओर प्रवृत्त था, उसका विनाश जरूरी था, तो उसके विनाश के लिए कहते श्री राम जी ने भी पहले शिव की आराधना की, उनसे वरदान और शक्ति प्राप्त की और तब रावण का नाश किया। इसी तरह से गोपेश्वर में श्री कृष्ण जी ने दिखाया है कि शिव की प्रतिष्ठापना की। हम जानते हैं जिस दुर्गा को हम माँ कहकर बुलाते हैं, वो शिव की ही एक शक्ति है। उसी तरह से गणेश जी, जिन्हें शिव का पुत्र कहा गया है, कई ऐसी पुराणों में हमने कहानियां सुनी है जिसमें जब भी कोई आपदा आई है, जब भी असुरों का तांडव बढ़ा है, तो सभी देवताओं ने जाकर शिव की शरण ली है। तो हमारे सनातन धर्म में या सभी देवताओं में सबसे आराध्य, सबसे उच्च जिस शिव को माना गया है और जिनके सम्मान में यह महाशिवरात्रि का पर्व हम मनाते आए हैं, आज एक बहुत सुंदर विषय लिया गया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी SD कॉलेज टीम का और विशेष हमारे भाई आशुतोष जी का, उनके प्रयासों से आज का यह वेबिनार संपन्न हो रहा है। बहुत सुंदर विषय जैसे कि आज लिया गया है, सबसे पहले हम समझेंगे कि जिस शिव के सम्मान में, जिसकी आराधना में हम महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, वो शिव कौन है, उसकी वास्तविक पहचान क्या है, और उससे रिलेटेड, महाशिवरात्रि से संबंधित जितने सारे अलग अलग रस्में हैं, उन सभी का भी हम भाव समझेंगे। उससे पहले मैं हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी खासियत आप सबके सामने रखना चाहूंगी। हम सभी जानते हैं कि इस धर्म में बड़े बड़े मनीषी हुए हैं, ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने परमात्मा को खोजने की या जीवन के सत्य को जानने की कोशिश की, और उस सत्य को जितना उन्होंने जाना, उसे उन्होंने आगे बताया, शेयर किया, कभी अपने प्रवचनों के द्वारा ओरली शेयर किया गया, कभी उसको लिखत के रूप में, जो आज हमारे सामने हमारे सम्मानीय शास्त्र है, उसमें हमारे सामने रखा गया। लेकिन खासियत ये है कि जो उन्होंने अनुभव किया या जिस सत्य को उन्होंने पहचाना, उसे जब उन्होंने प्रस्तुत किया संसार के आगे, तो अलंकारिक भाषा का, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग अधिक किया, काव्यात्मक रूप से वह बातें हमारे सामने रखी गई और उन बातों को इंटरप्रेट किया गया, माना बाद में उसको जब पढ़ा गया और उसको समझने की कोशिश की गई, तो आज के समाज में हम देखते हैं कि शायद साइंस और टेक्नोलॉजी में हम हमारे पूर्वजों से आगे होंगे, लेकिन उस सत्य को समझने में या उनकी भाषा के सही भाव को समझने में हमारी बुद्धि कहीं ज्यादा कम है, और इसलिए मिस इंटरप्रिटेशन काफी सारी जगह हुआ है। आज अगर बाकी धर्मों के कंपैरिजन में सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को ये कहा जाता है कि इस धर्म में अंधश्रद्धाएं बहुत हैं, मैं ये कहना चाहूंगी आज इस मंच से, अंधश्रद्धा उनको लगती है जिन्होंने उस भाव को सही रीति से समझा नहीं है। नहीं तो भारत वर्ष में मनाया जाने वाला हर त्योहार, हर पर्व, हमारे जीवन से जुड़ी हुई, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर रस्में, उसके पीछे साइंटिफिक आधार है, साइकोलॉजिकल रीजंस है उसके पीछे, और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो है ही है। सिर्फ उसको ना समझने के कारण हर रस्म को, हर त्योहार को दूसरे धर्मों ने अंधश्रद्धा कह दिया,
और आज ये बड़ी दुखद बात है कि शायद हिंदू भी उन सभी बातों को अंधश्रद्धा ही मानते हैं। इसलिए इस पवित्र अवसर पर अगर हमें ये बातें आप सबके सामने रखने का अवसर मिला है तो एक बहुत अच्छी बात है। विशेष हम फोकस करेंगे महाशिवरात्रि पर। महाशिवरात्रि जिस परमात्मा शिव की आराधना में मनाया जाता है, यह पर्व भारतवर्ष का एक महान और मुख्य त्योहारों में से एक है। शिव, जिसके लिए हम कहते हैं शिव परमात्मा, हम सभी देखते हैं कि बाकी जिन भी देवी देवताओं की हम आराध्य रूप से, इष्ट रूप से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनका एक बहुत सुंदर सजा सजाया रूप हमें दिखाई देता है। साकार सगुण रूपधारी उनको दिखाया गया है, बड़े सुंदर वस्त्रों के साथ और साज श्रृंगार के साथ बड़े मनमोहक रूप में उनको दिखाया गया है। लेकिन जहां शिव की बात आती है, तो जब हम शिवालय में जाते हैं तो वहां कोई साकार सगुण रूपधारी हमें नहीं दिखता है, बल्कि वहां दिखती है हमें शिव की पिंडी। तो वो शिव की पिंडी क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि हमारे शास्त्रों में हर बात प्रतीकात्मक रूप से दिखाई गई है, तो शिव की पिंडी भी एक प्रतीक है। जैसे कि कहा गया शिवलिंग, लिंग का मीनिंग होता है चिन्ह, निशानी, सिंबल। तो सिंबल ऑफ शिवा, या इसी को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं ज्योतिर्लिंग, मीन्स सिंबल ऑफ लाइट। तो एक्चुअली परमात्मा का जो फॉर्म है, परमात्मा का जो रूप है, वो है ज्योति बिंदु, गॉड इज लाइट, जैसे जीसस क्राइस्ट ने भी कहा हुआ है। और उसी ज्योति स्वरूप को, क्योंकि वो बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है लाइट का, तो सूक्ष्म बिंदु की पूजा करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हमारी विधि बनी हुई होती है पूजा की, हम फूल अर्पित करते हैं या हम दर्शन की कामना रखते हैं, अब छोटे से अति सूक्ष्म बिंदु का, जिसके कोई डायमेंशंस नहीं है, बिंदु मीन्स जीरो डायमेंशंस, तो उस प्रकाश के उस छोटे से बिंदु का प्रतीक अगर हम उतना ही छोटा सा बनाएंगे तो भला उसका हम दर्शन कैसे कर पाएंगे? उसको पूजा करने के लिए, अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए अगर उस पर हम फूल चढ़ाएंगे तो वो बिंदी तो छिप जाएगी। इसलिए उस बिंदु स्वरूप को, उस ज्योति स्वरूप को एनलार्ज किया गया, जिसका स्वरूप हम देखते हैं शिवलिंग के रूप में व ज्योतिर्लिंग के रूप में। तो वो परमात्मा जो प्रकाश का एक अति सूक्ष्म बिंदु है, लेकिन अगर वो साइज में या रूप में बिंदु है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कोई क्षमता में या शक्ति में कम है। हम जानते हैं साइंस में भी सबसे स्मॉलेस्ट आइटम एटम होता है, और सबसे ज्यादा पावर भी उसी में होती है। सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी में भी, आध्यात्मिकता में भी, सबसे सूक्ष्म आत्मा और परमात्मा है, लेकिन रूप में अति सूक्ष्म बिंदु होते हुए भी वो गुणों में, शक्तियों में सिंधु के समान है। अर्थात सागर अनलिमिटेड है, वो असीम शांति, असीम प्रेम, असीम ऊर्जा से भरपूर है वो। और इसीलिए परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो बड़े प्यार से हम उनकी महिमा करते हैं कि तू प्यार का सागर है, सर्वशक्तिमान है। तो सर्व शक्तियों, सर्व गुणों का असीम स्टॉक जिसके पास है, लेकिन फिर भी रूप में वो बिंदु है। इसलिए रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु, ऐसा जिस परमात्मा की महिमा है, जिसे संसार के अनेक अनेक धर्मों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग नामों से जाना गया। हम जानते हैं घर में कोई सबसे छोटा बच्चा होता है, सबका बड़ा प्रिय होता है, और सभी अपने अपने हिसाब से उसको अपने अपने नाम दे देते हैं। भले उसका डॉक्यूमेंट्स में, आधार कार्ड में एक नाम होगा, लेकिन उसके मम्मी पापा उसको शायद अलग नाम से बुलाएंगे, उसके जो बड़े भाई या बहन कोई है वो उसको कुछ अलग नाम से बुलाएंगे, दादा दादी अलग नाम दे देंगे, क्योंकि वो सबका प्यारा है। और दिल से जो जिस शब्द में प्यार वो फील करते हैं, ऐसा प्यार वाला नाम वो उस बच्चे को दे देते हैं। यही हुआ, परमात्मा भले ही एक है, लेकिन उसको याद करते हुए उसका प्यार जो हर व्यक्ति महसूस करता है,
उस अपने भावों को प्रकट करने के लिए हर व्यक्ति ने परमात्मा को अलग अलग नाम दे दिए। जैसे कि अभी राकेश भाई जी बता रहे थे कि उसके नामों की अगर हम लिस्ट बनाए, अगर हम सभी धर्मों के नामों की लिस्ट बनाए तो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ हिंदू धर्म में जो नाम है उसमें भी अगर हम देखें तो परमात्मा के हर नाम के पीछे नाथ, ईश्वर इस तरह का शब्द आता है। तो यहाँ पर सिर्फ प्यार की बात नहीं है, प्यार की भावना तो है ही है जिसके कारण अनेकानेक नाम है परमात्मा के, लेकिन एक बात ये भी है कि परमात्मा का हर नाम कोई ना कोई उसके गुण व कर्तव्य का सूचक है। हम सभी को भी एक एक नाम मिला हुआ है, लेकिन हमारे नाम के लिए कहा जाएगा ये संज्ञावाचक नाम है। सिर्फ इस संसार में एक पहचान के रूप में एक लेबल हम सभी को मिला हुआ है। जरूरी नहीं होता कि एक व्यक्ति का नाम उसके गुणों या पर्सनालिटी के अनुरूप हो, लेकिन परमात्मा के जितने सारे नाम हम देखते हैं, जैसे उनको सोमनाथ कहते हैं, तो सोम रस अर्थात ज्ञान का अमृत जो पिलाते हैं वो है सोमनाथ। इसी तरह से उनको मुक्तेश्वर कहा गया। सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को जो पापों से, दुखों के बंधनों से जो मुक्त करता है उसे ही पशुपतिनाथ कहा गया। पशु कहा जाता है जो पाशों में बंधा हुआ है। आज हर व्यक्ति भले ही शरीर से पशु नहीं है, लेकिन हमारा मन कई तरह की लिमिटेशंस में, कई तरह की ऐसी दुविधाओं में या कर्मकांड की कड़ियों में बंधा हुआ है, और उन पशुओं को फिर से मुक्त करने का कार्य वह परमात्मा करते हैं। उसी को हम अमरनाथ कहते हैं, उसी को विश्वनाथ कहते हैं। तो इस तरह के अनेक अनेक नाम जिसके हैं, उसी का एक सारयुक्त नाम अर्थात इन सभी नामों का अगर हम एसेंस निकाले, उसका निचोड़ निकाले, तो उसका निचोड़ ये निकलता है कि परमात्मा के जितने सारे गुण हैं, जितने सारे कर्तव्य हैं, वो सारे के सारे गुण, सारी शक्तियां और सारे कर्तव्य मानवता के भले के लिए, मानवता के कल्याण के लिए है। और इसलिए उनका एक सारयुक्त एसेंसफुल नाम सामने आता है, कल्याणकारी। और कल्याणकारी को ही संस्कृत में शिव कहा गया है। तो यहाँ शिव का अर्थ, परमात्मा का जो नाम हम हमेशा बोलते आए हैं, शिव का अर्थ ही है जो कल्याणकारी है। समझने की जरूरत है, जो भी प्राप्ति हम अपनी मेहनत से कर सकते हैं उसके लिए परमात्मा को पुकारने की जरूरत नहीं है कि मैं बार बार ये कहूँ कि मुझे खाना भी परमात्मा दे तो कहूंगी कि मेरा भला हो गया, या मेरी नौकरी लगा दे, या बच्चा हो। आज ये है जैसे राकेश भाई जी बता रहे थे, आज अगर हम परमात्मा की आराधना, पूजा या व्रत कर रहे हैं तो या तो स्वार्थवश या डर के कारण, या एक तीसरा रीजन होता है दिखावा करना है हमें, या बहुत भक्ति भाव वाले हैं। तो उन बातों को साइड में रख के हम ये जाने कि परमात्मा मेरा भला करता है, कल्याण करता है, माना क्या करता है। उसका भला करने का मतलब है कि वो आत्माएं जो आज इम्प्योर हो गई है, कई सारी निगेटिविटीज के बंधन में जो जकड़ गई है, उन निगेटिविटीज को, उन बुराइयों को, उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करके, और उनके कारण जो होने वाला दुख है, उनके कारण जो आज मानव जीवन में परेशानियां हैं, जो टेंशन है, जो अपराध हो रहे हैं, उन सब से मुक्ति दिलाने का काम परमात्मा करते हैं। और इसीलिए परमात्मा का कर्तव्य सार रूप में हम बताते हैं, अधर्म का विनाश और सद्धर्म की स्थापना। यहाँ धर्म का मतलब कतई ये नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है या कोई अन्य धर्म का है। यहाँ अधर्म और सद्धर्म की बात की गई है। अधर्म का मतलब ही होता है कि आत्मा की ओरिजिनल पॉजिटिविटी से हटके जो सारी निगेटिविटीज हमारे अंदर आ गई है वो है अधर्म। और उन निगेटिविटीज का, जिसको दूसरे शब्दों में विकार कहा गया है, उन मनोविकारों का विनाश और फिर से मन में सद्गुणों को स्थापित करना, सुसंस्कारों के आधार पर सुसंस्कृत समाज बनाना, ये परमात्मा का कर्तव्य है।
तो परमात्मा का ये परिचय जिसमें हमें उनका नाम और उनका रूप पता चल रहा है, उनके गुणों के अथाह होने की बात हमें पता चल रही है। अगर उनके उस रूप को हम फिर से देखें, हम सभी के सामने स्लाइड में उनका रूप हम देख रहे हैं। शिवलिंग में हम देखते हैं, शिवलिंग तो बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं, उसमें चाहे छोटा हो बड़ा हो उस पे तीन लकीरें जरूर होती है और उन तीन लकीरों के बीच में एक बिंदु होता है। तो परमात्मा एक्चुअली वो बिंदु है जो तीन लकीरों के बीच में दिखाया जाता है, और वो तीन लकीरें प्रतीक है परमात्मा के हमारे साथ मुख्य रूप से तीन संबंधों की। वो हम सभी आत्माओं के, सारी मानवता के, सारे पशु पंछी जो भी जीव जंतु है उन सभी आत्माओं के वो पिता है, इसलिए परम पिता का जो एक प्रमुख संबंध है। दूसरा, क्योंकि वो ज्ञान के सागर है, तद ज्ञान हमें वो देकर हमारे अंदर की बुराइयों को हटाने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनको सुप्रीम टीचर कहा गया। परम पिता, परम शिष्य, तो सभी आत्माओं को प्यूरिफाई करने वाले अर्थात सर्व को सदगति देने वाले वो गुरुओं के भी गुरु है, इसलिए उनको सतगुरु कहा गया, परम सतगुरु। तो परम पिता, परम शिक्षक और परम गुरु, इन तीन संबंधों का प्रतीक ये तीन लकीरें हैं। और उन तीनों लकीरों अर्थात तीनों संबंधों को निभाने वाला, तीनों संबंधों का सुख व प्राप्ति हमें कराने वाला परमात्मा शिव। जहां सुंदरता की बात है, हम बताते हैं स्पिरिचुअलिटी में हमें पता चलता है कि हम सभी जो इस मानव शरीर को चलाने वाली शक्ति एक ऊर्जा है जिसे आत्मा कहा गया, आत्मा का रूप भी उसी तरह से ज्योति बिंदु सितारे के समान है, और परमात्मा परम पिता जिनको कह रहे हैं वो भी उसी तरह से ज्योति बिंदु है। लेकिन जिस तरह से आसमान में हम लाखों तारे देखते हैं, देखने में तो तारे ही इसी तरह से दिखते हैं कि टिमटिमाते हुए प्रकाश के पॉइंट्स है, बिंदु है, लेकिन उनके प्रकाश में, उनके तेज में अंतर होता है। जो सबसे अधिक चमकता है हमें सबसे अधिक प्यारा लगता है, सबसे अधिक सुंदर लगता है। तो इसी तरह से हम लाखों करोड़ों आत्माओं के बीच परमात्मा एक ऐसा सितारा है जो परम सुंदर है, जो वैसे तो सफेद प्रकाश का एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन उनके द्वारा इमर्ज होने वाली रंग बिरंगी किरणें, कभी सुख की, कभी वो सुनहरी किरणें, कभी लाल किरणें, कभी सतरंगी किरणें, तो रूप में वो परम सुंदर है। और उस परम सुंदर को, जिसको हमने सत्यम शिवम सुंदरम कहा, सिर्फ उसका रूप सुंदर नहीं है। आजकल की दुनिया में हो सकता है कि कोई की स्किन बहुत फ्लॉलेस है, नए नक्श इतने अच्छे हैं, बॉडी मेजरमेंट्स पैरामीटर्स जैसे होने चाहिए थे बिल्कुल परफेक्ट है, तो उनको हम मिस वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स इस तरह के टाइटल्स दे देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि उनके कर्म भी सुंदर हो या गुणों में, मैनर्स में भी वो सुंदर हो। जहां तक बात है परमात्मा की, जितना वो रूप में परम सुंदर सितारा है, इतना ही गुणों में भी वो ऐसा सुंदर है जिसके अंदर निगेटिविटी का, बुराई का अंश मात्र भी नहीं है। और इसीलिए जब भी जीवन से कोई बुराई मिटाने की बात आती है, आत्मा को प्यूरिफाई करने की बात आती है, तब हम उसे याद करते हैं। इसलिए सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमात्मा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि उसके अंदर किसी तरह की बुराई नहीं है, और इसीलिए वो रूप में भी सुंदर तो गुणों में भी सुंदर है। और उसकी उस सुंदरता का वर्णन, उस सुंदरता का महत्व, उसका चिंतन हम जितना करते हैं उतना हम अपने आप को उनके साथ कनेक्टेड करते हैं। और ऐसे शिव परमात्मा को एक प्रतीकात्मक रूप से हम जानते हैं, हिंदू धर्म में शंकर जी के साथ जोड़ा गया। ब्रह्मा कुमारी में जो आज तक हमने सीखा है, जाना है, सभी धर्मों के शास्त्रों का बहुत गहरा अध्ययन करके ये बातें जो हमारे सामने रखी गई है, उस आधार पर कुछ एक और बात मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। शंकर जी का जो रूप हम सभी देखते हैं,
तपस्वी रूप दिखाया गया है, जटाधारी स्वरूप या नाग गले में है, इस तरह का रूप जो दिखाया गया है। शंकर जी त्रिमूर्ति देवताओं में से एक देवता है। हिंदू शास्त्रों में जब नमन किया गया तो कहा गया कि ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः। और जब नमन करने की बात आई परमात्मा की, शिव की, तो उन्होंने कहा शिव परमात्माए नमः। यहाँ दो अलग अलग डेजिग्नेशन हमारे सामने आते हैं, एक देवता और एक परमात्मा। दोनों का रूप भी अगर हम देखें, शिव परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, जिसका प्रतीकात्मक शिवलिंग, शिव की पिंडी है, जबकि शंकर जी का तो एक साकार रूप हम देखते हैं, उनका एक शरीरधारी रूप हमारे सामने दिखाया जाता है। देखिए दोनों के नाम अलग अलग है, दोनों का रूप, एक को निराकार दिखाया गया ज्योति बिंदु स्वरूप जिसका प्रतीक शिव की पिंडी दिखाया, और दूसरे का एक हमारी तरह आकारी शरीर दिखाया गया। एक को हम परमात्मा कहते हैं शिव को, जबकि शंकर जी को हम देवता कहते हैं। अभी अभी हमने शिव का अर्थ समझा कि शिव मनो कल्याणकारी, जबकि शंकर जी की जब भी हम बात करते हैं तो क्या याद आता है कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और विनाश कर दिया। शंकर माना ही वो विनाशकारी स्वरूप सामने आता है। तो नाम अलग, रूप अलग, दोनों का कर्तव्य अलग, दोनों की पहचान अलग। तो ये एक मिस इंटरप्रिटेशन था जो दोनों को एक समझा गया। फिर सही कहते कि फिर शिव शंकर इकट्ठा हम क्यों बोलते हैं, ये प्रश्न आ सकता है सामने से कि हमेशा हमने शिव शंकर इकट्ठा बोला, हमने राधा कृष्ण भी तो इकट्ठा बोला, हमने सियाराम भी तो इकट्ठा बोला। देवताओं की बात छोड़े, आज के जमाने की इतिहास की भी बातें करो करे तो लैला मजनू भी तो हमने इकट्ठा बोला। जो दो बहुत अधिक प्रेम करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, या आजकल म्यूजिशियंस होते हैं, पेयर्स बनी हुई होती है, तो सिर्फ एक का नाम लो तो नहीं ध्यान पे आएगा, दोनों का नाम लो तो पता चलेगा इसकी बात चल रही है। तो जिनकी बहुत फ्रेंडशिप होती है या गहरा प्यार जिनका होता है, उनका नाम हमेशा इकट्ठा लिया जाता है। हम कुछ सोच सकते हैं कि अगर शंकर जी स्वयं शिव है तो तप करने के लिए क्यों बैठे हैं? वो ध्यान करके किससे अपने लिए शक्ति ले रहे हैं कि अपने कर्तव्य को सही रूप से वो सिद्ध कर सके? तो यहाँ पर इस फर्क को अगर हम समझे कि शंकर जी भी जिसकी आराधना कर रहे हैं, जो शंकर जी के भी क्रिएटर है, उस परमात्मा शिव की ये महाशिवरात्रि का पर्व है। हमने कभी भी शंकर रात्रि नहीं कहा, शिवालय को कभी भी शंकरालय नहीं कहा। ये बात क्या सिद्ध करती है? शास्त्रों में गलत नहीं लिखा गया है, हमने समझने में गलती की है, और उन गलतियों को बस हमें सुधारते जाना है, तभी अपने धर्म को भी हम सचमुच संसार के आगे उन शिक्षाओं को सही रूप में रख पाएंगे, और सबसे पहले उस धर्म का स्वयं के जीवन में पूरा लाभ ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं शिवरात्रि से जुड़ी हुई रस्मों की। जिस परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप, जिसे अजन्मा कहा गया, हम सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, लेकिन शिव परमात्मा जिसे अजन्मा कहा गया, उसके दिव्य अवतरण का यादगार, उसका प्रतीकात्मक रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और इसमें एक रात्रि शब्द जो आता है, अब किसी व्यक्ति का संसार में आना माना जन्म होना, और जन्म होना उसको हम किस रूप में मनाते हैं? हर साल जन्मदिन के रूप में, बर्थडे। किसी का जन्म अगर रात के समय भी हुआ है तो भी विश क्या करेंगे? हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक कहेंगे। परमात्मा के अवतरण के यादगार को रात्रि के साथ जोड़ने का भाव क्या है? क्योंकि परमात्मा का अवतरण अर्थात इस संसार में आना ऐसे समय पर होता है जब सारे संसार में अज्ञान का अंधेरा फैला होता है। हम सभी जानते हैं, कहा गया है नॉलेज इज लाइट, ज्ञान प्रकाश है, रोशनी है। तो जहां यह ज्ञान हम भूल चुके हैं या विस्मृत हो चुका है यह ज्ञान कि हम खुद कौन है,
आज हम अपने आप को शरीर समझते हुए हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, भारतीय, पाकिस्तानी, इस तरह के दीवारों में और बंटवारे में खुद को विभाजित कर चुके हैं। जबकि हम खुद एक चैतन्य शक्ति आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, हम इस बात को भूल गए, हम अपने पिता परमात्मा को भूल गए, अनेक अनेक रूपों में परमात्मा को मानने लगे, हम जीवन जीने की कला को भूल गए कि आज कर्म करने कैसे चाहिए, अच्छे और बुरे की डेफिनेशन भी हमें क्लियर नहीं है, जो सारे कर रहे हमें लगता है कि यही सही है, पॉलिटिक्स की बहुमत, पॉलिटिक्स में होता है कि बहुमत वाला विजय ही हो जाता है, हमने कर्म फिलोसॉफी में भी वो लॉ अप्लाई कर दिया कि सारे लोग कर रहे हैं माना वो सही हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जिस भी तरह का अज्ञान जो आज के संसार में फैल रहा है, जब कहा गया नॉलेज इज लाइट देन एब्सेंस ऑफ नॉलेज दैट इज डार्कनेस, वही तो अंधेरा है, और इस अज्ञान के अंधेरे में बहुत सारे पाप हो रहे हैं। आज दिन ढलने का इंतजार नहीं होता पाप करने वालों को, दिन दहाड़े भी चोरी चकारी और न जाने कितने अपराध होते जा रहे हैं, और इसका कारण है अज्ञान का अंधेरा। तो ज्ञान सूर्य परमात्मा ऐसे रात के समय जब कलयुग अपने अंतिम चरण में है, पाप की पराकाष्ठा हो चुकी है, अति हो चुकी है, ऐसे समय पर परमात्मा अवतरित होते हैं, इस संसार में आते हैं, और इसीलिए उनके आने के यादगार को जब हमने मनाया तो उसके साथ शिव रात्रि शब्द जोड़ा। फिर शिवरात्रि से जुड़ी हुई रस्में देखिए क्या क्या होती है। सबसे पहली बात, हम जागरण करते हैं। अब जागरण किसी भी डॉक्टर से पूछिए, क्या नींद बुरी चीज है? नहीं, शरीर के लिए आवश्यक है। रात को सोना और दिन में काम करना ये मनुष्य के बॉडी का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये हमारा स्वभाव है। तो रात को जागरण के लिए क्यों कहा गया? तो फिर से यहाँ रात माना वो सूरज ढलने के बाद होने वाली रात की बात नहीं है, अभी जो अज्ञान की रात चल रही है, इसमें जो हम विस्मृति में एक तरह से सो चुके हैं, हमें होश नहीं है कि क्या करना चाहिए और कैसे जीवन जीना चाहिए, वो होश दिलाना, इसको जागरण कहा गया है। एक होती है शरीर को रेस्ट देने के लिए नींद करना, उसके लिए कोई मना नहीं करेगा, लेकिन जो हमने आत्मा को सुला दिया है अज्ञान की नींद में, उससे जागृति अब जरूरी है ताकि हम सही कर्म कर सके, सही डिसीजंस ले सके। शिवरात्रि पर खासकर हम सभी व्रत रखते हैं। व्रत, व्रत रखते माना कुछ खाने पीने की चीजें, खासकर अनाज का उस दिन सेवन नहीं करते, फलाहार कर लेंगे। तो वास्तव में व्रत का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, संयम, और वो संयम सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है। वैसे किसी का बर्थडे हम मनाए और हम कहे कि हम फास्ट करेंगे क्योंकि आज आपका बर्थडे है, उस दिन तो और ही ज्यादा पार्टी में खाते पीते हैं ना। तो परमात्मा के इस जन्मोत्सव पर, महाशिवरात्रि पर व्रत रखने का मतलब वृत्तियों का संयम है। जो आज वासना की वृत्ति हो गई है, निगेटिव वृत्ति हो गई है, उसे कंट्रोल करना, और आत्मा जैसे ओरिजिनली प्योर थी उस प्योरिटी की तरफ उसको आगे बढ़ाना, ये व्रत है। और हम समझ सकते हैं कि ये व्रत एक दिन के लिए नहीं होगा। कहा जाता है पवित्रता सुख शांति की जननी है, Purity is mother of peace and happiness. तो सुख और शांति हम जीवन में कितना समय के लिए चाहते हैं? क्या थोड़ी देर के लिए? क्या एक दिन के लिए? नहीं, हम सदा के लिए सुख शांति चाहते हैं। तो पवित्रता का व्रत, सेल्फ कंट्रोल का व्रत भी हमारा लाइफ टाइम होना चाहिए। यहाँ पर मन की खुशियों को खत्म करने की बात नहीं है या सुखकारी चीजों को छोड़ने की बात नहीं है, जो जीवन में दुख दे रही है ऐसी आदतों को कंट्रोल करना, ये सेल्फ कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा मुझे आता है, क्यों ना हम व्रत ले कि मुझे आज से गुस्सा नहीं करना है, या मुझे कुछ ऐसे किसी को टॉन्टिंग कमेंट करने की आदत है जिसके कारण दूसरे व्यक्ति हर्ट हो रहे हैं, उनकी भावनाएं टूट रही है, तो मैं क्यों ना ऐसा व्रत लूं कि मुझे आज से ऐसे शब्द सभी को बोलने हैं जो उनको एनकरेज करे, उनका उमंग उत्साह बढ़ाए। तो व्रत
हमें लेना है। व्रत को ही दूसरे शब्दों में हम उपवास कहते हैं। उपवास, उप माना नजदीक, वास माना रहना। अगर सेल्फ कंट्रोल प्योरिटी का व्रत हमें लेना है तो उसकी विधि है परमात्मा के संग का अनुभव करो। वो मेरे साथ है, मेरे हर कर्म में मेरा मददगार है, हर निगेटिव सिचुएशन में, हर पॉजिटिव घटना में वो मेरा साथी है। तो उसके साथ का, उसके संग का एहसास, ये है वास्तव में उपवास, जो आत्मा में शक्ति भर देता है। जैसे मैग्नेट के पास कोई लोहे की चीज रखो, धीरे धीरे उसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से असर करेगा कि वो लोहा भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, वो भी मैग्नेट बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से परमात्मा के संग में रहते रहते जिन पॉजिटिव क्वालिटीज का सागर है परमात्मा, वो पॉजिटिव हमारे अंदर आती जाती है। फिर पूजा की थाली सजाकर हम मंदिर जाते हैं, बड़ी विचित्र सी चीजें हम ले जाते हैं परमात्मा के लिए। अन्य किसी देवी देवता के मंदिर में जाएंगे तो मिठाइयाँ लेंगे, 36 प्रकार के पकवान लेंगे, फल लेंगे, बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के, गेंदे के आदि फूल लेंगे, और परमात्मा के लिए क्या क्या ले जाते हैं, वो हर चीज प्रतीकात्मक है। परमात्मा ने हमें जीवन जीने की जो कला सिखाई, प्रैक्टिकल फॉर्म जो सिखाई, याद रहे हमारे पूर्वजों ने एक एक चीज के साथ उसको जोड़ दिया। जैसे हम कहते हैं कि छोटे बच्चे फूल समान होते हैं, अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो फूल कहाँ और बच्चे कहाँ, एक उपमा दी गई ना। तो इसी तरह से परमात्मा की शिक्षाओं को या परमात्मा पर चढ़ाओगे तो वास्तविक परमात्मा की शिक्षा हमें याद आएगी। जैसे उस पूजा की थाली में एक मुख्य चीज होती है बेर, रिलेट करता है वैर भाव से। हम सभी परमात्मा के बच्चे एक गॉडली फैमिली, आपस में वैर भाव को छोड़कर प्रेम प्यार से रहे, ये परमात्मा की शिक्षा थी। हमने कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, चढ़ाते रहे, लेकिन वास्तव में शिक्षा क्या है, आंतरिक वैर भाव को खत्म करना। और ये जब बेर माना वैर भाव हम चढ़ा देंगे ना, तब हम सभी आत्माएं, छोटे छोटे सितारे, चिड़ै, वो एक मत, एक संगठन परमात्मा हमारा देखना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे परिवार में भी, क्या कोई भी व्यक्ति कभी अपने परिवार को बिखरा हुआ देखना चाहता है? तो परमात्मा इस पूरे विश्व का पिता, वो समस्त विश्व की आत्माओं के लिए ये चाहते हैं कि सभी एक मत होकर रहे, एकजुट होकर रहे, जिसकी निशानी ये चुलाई का लड्डू है। इसी तरह से परमात्मा के ऊपर हम जो चढ़ाने जाते हैं कच्ची लस्सी, अब कच्ची लस्सी वास्तव में अब गर्मियां आने वाली है, हम सभी जानते हैं गर्मियों में एक बहुत फायदे की चीज होती है, लू लग जाती है किसी को या वैसे ही बॉडी में हीट बढ़ जाती है, तो कहते हैं कच्ची लस्सी पियो तो आराम मिलेगा, ठंडक मिलेगी। तो ठंडक, शीतलता का प्रतीक कच्ची लस्सी है। अब देखा जाए तो परमात्मा तो स्वयं शांति और शीतलता का सागर है, जगी हुई है, वासना की अग्नि है, क्रोध की है, ईर्ष्या की है, ये अग्नि तो मानव के अंदर है आज। तो मैं कई बार हंसी में पूछती हूँ, फिर तो शिव के बदले हम अपने ऊपर ही लोटा चढ़ा दे, लेकिन वो कच्ची लस्सी का लोटा पानी में दूध मिलाकर वो लोटा काम नहीं करेगा। शांति कहते हैं हमारे सभी धर्म के शास्त्रों में और ब्रह्मा कुमारी में ओम शांति एक बहुत बड़ा महामंत्र दिया गया है। तो शांत स्वरूप हूँ,
ईश्वर शांति है, मेरा पिता परमात्मा वह शांति का सागर है, और वो शांति का एहसास, शांति की अनुभूति जितना हम जीवन को बढ़ाने लगते हैं, फूल परमात्मा पर चढ़ाए जाते हैं जो कि बहुत कड़वे और बहुत जहरीले होते हैं। अब फिर से ऐसी चीजें चढ़ाने का भाव क्या है? कर्नल साहब अपने को म्यूट कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो मुझे ठीक। अब उनको म्यूट किया है। चलिए तो अकदतुरा जो परमात्मा पर चढ़ाया गया उसका भाव भी यही है कि परमात्मा ने कभी भी हमें सुखकारी चीजों को छोड़ने के लिए नहीं कहा है, उन्होंने हमें उन आदतों का त्याग करने के लिए कहा है जो आदतें हमारे जीवन में हमें और हमारे अपनों को दुखी कर रही है। ऐसी बुरी आदतों का त्याग ये जहर है जो मानव जीवन को दुखी करने वाली बातें है, ऐसे कोई कुसंस्कार है उसका त्याग हमें करना है। और वो दिखाया गया कि हम चढ़ाना है, मतलब परमात्मा को दान करना है। एक भारतीय संस्कृति में बहुत सुंदर सिद्धांत है कि दिया हुआ दान कभी वापस नहीं लिया जाता। तो परमात्मा को वो बुराई दान करना, माना कि आज अब मैंने परमात्मा को जब वो बुराई दे दी, उस बुरी आदत का दान कर दिया, इसका अर्थ आज से मेरे जीवन से वो बुराई व बुरी आदत संपूर्ण खत्म। तो ये अक और दतुरे का दान या उस पर चढ़ाने का भाव है। इसी तरह से भांग का प्रसाद दिखाया गया। अब भांग हम सभी जानते हैं, हम सभी ऑलरेडी बहुत परेशान हैं जिस तरह के नशे की आदतें हम यंग जनरेशन में देख रहे हैं। किसी के भी परिवार में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो, हर संभव कोशिश की जाती है वो नशा छुड़ाने की, क्योंकि हम सभी जानते हैं, चाहे हम मेडिकल साइंस नहीं भी पढ़े होंगे, हम सभी को पता है कि किसी भी तरह का नशा शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक हर तरह का नुकसान ही करेगा। फिर भला परमात्मा की प्रिय वस्तु भांग क्यों दिखाई गई? तो वास्तव में परमात्मा को प्रिय वो भांग का नशा नहीं है, ये प्रतीकात्मक है। वास्तव में परमात्मा चाहते हैं कि मेरी वो आप प्यारी संतानें मेरे प्रेम में ऐसे मस्त हो जाओ, उस प्यार का नशा जिसके लिए गुरु नानक देव जी ने भी कहा, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो वो परमात्मा के नाम की, परमात्मा के प्यार की वो जो मस्ती है, वो मस्ती जो हमें मजबूर कर देती है उसके जैसा गुणवान बनने के लिए, ना चाहते भी। प्यार की ये निशानी होती है कि जिससे आप प्रेम करते हैं, धीरे धीरे आपकी पसंद, आपका व्यवहार, आपके कर्म, लगभग आपकी पूरी लाइफ उसके जैसी बन जाती है। तो परमात्मा से इतना प्रेम करें हम कि उसकी मस्ती में डूब कर हम भी उसके जैसा हो जाए। वो मस्ती, वो नशा परमात्मा ने हमें करने के लिए कहा था, जो राजयोग में हम अनुभव करते हैं। और बात वही है कि अब अगर हम सिर्फ स्थूल वस्तुओं को देखें तो क्यों नहीं अंधश्रद्धा लगेगी, लेकिन आज अगर हम उन भाव को, उसके सही सिग्निफिकेंस को समझ रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि किस तरह से हर वस्तु या हर रसम के पीछे कितना सुंदर रहस्य है जो जीवन को महान बना सकता है। तो अगर इस तरह से हम शिवरात्रि मनाएंगे तो जरूर हमारे जीवन में परमात्मा की कृपा, उसके द्वारा सुख शांति का वरदान वो मिलेगा ही मिलेगा। हमने सिर्फ चीजों को पकड़ा आज तक, बेर के साथ जो वैर छोड़ना था वो नहीं छोड़ा, सच्ची लस्सी भगवान पर तो चढ़ा दी लेकिन मन को शांत नहीं किया। तो अब कल अगर हम जब शिवरात्रि मनाने जा रहे हैं तो कितना अच्छा हो कि वो पूजा की थाली भले हम सजा के ले जाए, लेकिन जब बेर चढ़ाए भगवान को तो पहले से लिस्ट बना के जाए कि मेरा इस के साथ वैर है,
और आज भगवान जी मैंने आपको दे दिया, मैं और वो बड़े प्यार से रहेंगे। अब ये चिंता नहीं करो कि दूसरे ने वैर निभाना हो तो उसकी चिंता नहीं करो, अपनी तरफ से वैर खत्म करना है। जो भी शुभ कर्म करना है, जो भी शुभ परिवर्तन लाना है, उसकी पहल हमें अपने आप से करनी है। और ये एक्चुअली महाशिवरात्रि का सही विधि होगी, सही रूप में मनाना होगा। और उसके साथ हम आगे बढ़े तो मैं पूछना चाहूंगी, टाइम शायद हो रहा है, तो क्या 3 मिनट मेडिटेशन का करें या क्वेश्चन आंसर लेने हैं? जी ठीक है, तो ऐसे तो जितना डिटेल में जाए, काफी वास्ट सब्जेक्ट होते हैं ये, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, चाहे मेरे सामने जो बैठे हैं या ऑनलाइन जो सुन रहे हैं। ऑनलाइन में भी यदि कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप लोग अपना प्रश्न कर सकते हैं, दीदी उसका उत्तर देंगी। जोर तब लगाना पड़ता है जब हम समझते, मान लीजिए मुझे गुस्सा छोड़ना है और मैं जोर लगा रही हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गुस्सा मेरा स्वभाव है और उस स्वभाव को मुझे बदलना है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें क्या कहती है कि नहीं, वो जो गुस्सा है या अन्य कोई निगेटिविटी जिसको हम छोड़ना बदलना चाहते हैं, वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो एक्वायर्ड क्वालिटी है, बाहर से आई हुई चीज है। जिस तरह से अंग्रेजों को हमने महसूस किया कि वो बाहर से आई हुई है, तब आजादी की लड़ाई में जोर भरा और उनको हम निकाल पाए। तो एक्चुअली ये स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात है, आध्यात्मिक आजादी की लड़ाई एक अंदर ही अंदर चल रही है। जैसे गीता में कहा है ना, आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है। तो ये जो निगेटिव संस्कार है, ये मेरी चीज नहीं है, ये बाहर से आई हुई है, और मेरी अपनी चीज है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ये मेरी रियलिटी है। तो रियलिटी में जितना टिकेंगे उतना जो एक्वायर्ड है वो खत्म होता जाएगा। और यही अभ्यास मेडिटेशन का है, सेल्फ रियलाइजेशन, और फिर जो कमी लगती है उसको हम परमात्मा के साथ से भरते जाए। डिफरेंशिएट हमें करना आए कि क्या सही है क्या गलत, मेरा क्या है और बाहर का क्या है, तब उसको निकालना इजी होता है। और कोई क्वेश्चन? हाँ, कोई कमेंट करना चाहे, अपना फीडबैक देना चाहे। Maybe, क्योंकि बहुत कुछ अलग तरीके के थे। लोगों के माइंड में कुछ गलत है नहीं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास कीजिए,
ज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने का प्रयास इसमें इसमें हमें एक्चुअली मीडिया काफी साथ दे रहा है। वो पहले जब तक टीवी के द्वारा या आजकल जैसे यूट्यूब आदि के द्वारा जिस तरह से लोगों के घरों में हम पहुंच गए हैं, तो उसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो रही है। पहले लोग क्या करते थे, एक दूसरे की सुनी सुनाई बातें और उसी पर विश्वास कर लेते थे। तो इवन कोई पहुंचे, बातें सुने, समझे, तब वो गलत फहमियां दूर हो, तो पहुंचते ही नहीं थे। अब क्या हुआ है, वो नहीं पहुंच रहे, हम उनके घरों में पहुंच गए टीवी के माध्यम से। तो उसमें बहुत बहुत फर्क आया इन 10-15 सालों में, बहुत फर्क आया। हाँ जी, अभी भी ना, अभी भी है कुछ बातें है, क्योंकि इसका एक रीजन ये भी है। इसमें हम क्या समझे, आप खुद ही उसको टाइटल दे दीजिए, क्योंकि हम सुनने में बहुत खुश होते हैं। जब करने की बात आती है ना, कि जीवन में आपको ये करना है, परिवर्तन लाना है, तब वो उन बातों में शायद हम खुद को कमजोर समझते हैं या कॉन्फिडेंस वो लेवल होता नहीं है, जो भी कारण है, तो परिवर्तन से हम पीछे हट जाते हैं। अब परिवर्तन से मैं पीछे हटा हूँ, कोई तो ऑनेस्टी से ये बात मानते हैं, कोई उसको दूसरे वे में कहते हैं। जैसे कोई कॉलेज में फेल हुआ तो एक स्टूडेंट है वो कहेगा कि मैं कमजोर स्टूडेंट था इसलिए, और एक कहेगा कि मेरे टीचर्स अच्छे नहीं थे। तो ये दोनों रीजन हो सकते हैं। वैसे इसमें एक बात ये भी है कि भारत में एक बड़ी विचित्र व्यवहार करने की स्थिति है कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ज्यादा करते हैं, एक्सपर्ट की बात पे कोई विश्वास नहीं करते। हम सुनी सुनाई बातों पर इतना विश्वास कर लेंगे कि बस यही अंतिम सत्य है जो एक्सपर्ट बता रहा है वो। और हमारे पास जो भी आते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि हम कभी भी आपको कंपेयर नहीं करेंगे, आपके पास अपनी जजमेंट पावर है, हम बता रहे हैं आपको, लॉजिकली आप कन्विंस हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसको करके देखिए, एक महीना दो महीना, और आपका अपना एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो नेचुरली, क्योंकि बहुत वास्तविक बातें हैं, सत्य बातें हैं, तो अगर कोई सिंसियरली करता है तो उसको बेनिफिट मिलता ही मिलता है, तो वो आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो करेंगे ही नहीं, तो उनको डिफरेंस नहीं पता चलेगा, वो पहले वाली जो पटरी एक चल रही है उसी पर चलते रहेंगे। जी, तो फिर से एक बार मैं एसजी कॉलेज टीम की, आशुतोष जी की बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ, और आप सभी जिन्होंने भी ऑनलाइन या मेरे फेस टू फेस ज्वाइन किया है, आप सबका भी धन्यवाद हमें सुनने के लिए। महाशिवरात्रि का पर्व जैसे मैं कह रही थी, हम मनाते जा रहे हैं, और कल विशेष महाशिवरात्रि के दिन ही, ऐसे तो हमारा पूरा एक महीना पहले से प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन कल विशेष महाशिवरात्रि के दिन पर आप सभी को निमंत्रण है ब्रह्मा कुमारी आश्रम दयाल बाग में पधारने के लिए। सुबह 7 से 9 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें विशेष शिव का प्रतीक, उनका ध्वज भी लहराते हैं, और साथ में जिस तरह से आज हमने कुछ आध्यात्मिक चर्चा की है, इस तरह की चर्चा भी रहती है। तो आप सभी का तहे दिल से निमंत्रण है। आप बताइए, संपर्क सामने लिखा गया है, कॉन्टेक्ट नंबर आप उससे भी कर। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बल्कि मुझे लगता है आभार शब्द बहुत कम है। जिस तरह का वक्तव्य हम लोगों ने सुना है और जिस तरह के दीदी ने शब्दों का प्रयोग किया है और जिस तरह के तर्कों के द्वारा उन्होंने विषय को उपस्थापित किया है, और जितने भी हमने उसमें रखे थे शब्द, अवधारणा, सौंदर्य और उपासना, उस सभी को उन्होंने बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है और हमारी उससे समझ पड़ी है। तो निश्चित रूप से वो अत्यंत धन्यवाद की पात्र हैं कि उन्होंने ऐसे व्यापक विषय को अपने वक्तव्य में समेटा है और हम लोगों को, और वो समझ में भी आया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम सभी के लिए है, वक्ता के लिए भी और श्रोता के लिए भी। तो निश्चित रूप से आज का ये वेबिनार इस अर्थ में बहुत सफल है कि हमने आज अपने आप को कल के लिए तैयार किया है। यही हमें संस्कार चाहिए कि आने वाले कल के लिए हम तैयार हों, ताकि हम उस महान शिवता में छलांग लगा सकें और उस आनंद को, उस चेतना को अनुभव कर सकें। तो आज के वेबिनार को समापन की ओर ले जाने से पूर्व मैं निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर रमेश कुमार मदान जी को,
जो कि रजिस्ट्रार हैं इस कॉलेज में और हेड हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के, कि वो कॉलेज की ओर से आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करें, हमारे वक्ताओं का भी धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर रमेश कुमार प्रधान। थैंक यू डॉक्टर आशुतोष जी। आदरणीय बहन शैली जी, प्रीति जी, ब्रह्म कुमार राकेश मेहता जी एवं सभी सहभागीजन, आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इस प्रकार का ऑफलाइन ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। कुदरत का एक नियम है कि हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है, परंतु आज हमारा सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था ब्रह्म कुमार, जो कि यूएनओ के द्वारा, यूएन सोशल इकोनॉमिक काउंसिल के द्वारा भी अपना एक यूनाइटेड नेशन स्टेटस लिए हुए है, जिसका मुख्य उद्देश्य है समाज में, पूरे संसार में लव और पीस को मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इस बात के लिए ब्रह्म कुमार बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और इस प्रकार का प्रयास, जैसा कि हाब्स के द्वारा कहा गया था, मनुष्य स्वार्थी है, जूठा है, नीच है, कमीना है, प्रेमी है, रूसो कहा करता था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, जगह जंजीरों में बंधा हुआ है। लोग कहता है हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की भावना पाई जाती है कि वो स्नेह, सहानुभूति, संरक्षण, सुख समृद्धि, संपन्नता, सामंजस्य पैदा करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार के भाव, जैसा कि आज शैली जी ने अभिव्यक्त किए हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने अपने आशीर्वाद वचन दिए हैं, वो वास्तव में सुख समृद्धि संपन्नता, आज शिव की अवधारणा के बारे में जिस सेमिनार का, वेबिनार का आयोजन किया गया है, वो वास्तव में एक शांति की ओर और प्यार की ओर, समाज को अज्ञान से ज्ञान की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, असत्य से सत्य की ओर और ले जाने का प्रयास करेगी। इन्हीं शुभ कामना के माध्यम से मैं अपनी तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से, अपने प्राचार्य महोदय की तरफ से, प्रबंधक कार्य की तरफ से, डॉक्टर आशुतोष जी की तरफ से एवं समस्त स्टाफ की तरफ से इस शिवरात्रि के पर्व पर ऑल माइटी ब्लेस हेल्थ एंड हैप्पीनेस टू ऑल, इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मैं शैली जी, आपने बड़े संक्षिप्त और सटीक रूप में जो धन्यवाद ज्ञापित किया है और उसमें कई सारी बातें हमारे सामने रखी हैं, उसके लिए आपका आभार। और इस वेबिनार को समापन करने से पूर्व राकेश जी, आप ने कुछ करना है या समापन करें? हाँ, एक सूचना वो आप लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए, और उसके बाद हम ये आज का वेबिनार जो है वो पूर्ण करेंगे। समापन शब्द शिव के साथ जुड़ता नहीं है, पूर्ण शब्द ही जुड़ता है, क्योंकि समापन का मतलब है आरंभ। तो शिव तो अनादि है और इनका समापन कहाँ होगा, पूर्ण तो हो सकते हैं। मैं पुनः एक बार आप सबका धन्यवादी हूँ और एक दो सूचनाएं हैं। पहले तो मैं ये, मेरा ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा जो प्यास है वो बुझी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे सेमिनार्स जब जब हमें समय मिले और थोड़ा विस्तार में, थोड़ा गहराई में जाएं, और बहुत से गुह्य रहस्य हैं अभी भी, बहुत से रह गए हैं। अभी हमने शिव और शंकर को मतलब बेसिक लेवल पे, काफ़ी न्यूनतम लेवल पे समझने की कोशिश की है, लेकिन अगर हम अलग अलग भी करें तब जाके, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर आशुतोष जी, कि हम इसका धारण कैसे करें, हम इसे स्वीकारें कैसे, तो अभी ये बहुत लंबा वो है, जैसे एडवांस कोर्स भी इसमें है हमारे पास में, तो वो और समझने की हम सबको आवश्यकता है। हम पहले खुद समझें फिर हम सब तक भी पहुंच सकते हैं। अभी शिव अलग और शंकर अलग जो अभी आज हमें सुनने को मिला है, बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार ये बात सुनी होगी, ये विचार सुना होगा। इस पर चिंतन करें कुछ समय, और अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप उन्हें ब्रह्मा कुमारी आश्रम से कांटेक्ट कर सकते हैं, सनातन धर्म कॉलेज में संस्कृत विभाग, हिंदी विभाग है, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं,
मैं एक बार फोन नंबर आपको बता देता हूँ, 9034-369-108। ये आज के जो हमारे रिसोर्स पर्सन आदरणीय ब्रह्मा कुमारी शैली बहन जी हैं, उनका पर्सनल नंबर भी है। आप कभी भी आप उनसे कांटेक्ट करके अपने और अनेक जो मन की भ्रांतियां हैं, कोई भी अवधारणाएं हैं, आप उनसे जान सकते हैं। और डॉक्टर मदान का भी मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ। बहुत सुंदर शब्दों में इन्होंने जो संस्था का परिचय दिया, मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आपको सभी को, जो भी मेरे बहन भाई साथी ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन्हें कल सुबह का महाशिवरात्रि के महापर्व का आप सबको निमंत्रण है, दयालबाग स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः SD कॉलेज की टीम का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाकई शांति से ही शुरू होता है, और शांति पे ही इसकी परिणति हो तो इससे बढ़िया तो और क्या हो सकता है हम सभी के लिए। तो राकेश जी का भी धन्यवाद, आप सभी उपस्थित श्रोताओं का बहुत बहुत आभार, और आज के मुख्य वक्ताओं का भी बहुत बहुत आभार। तो इसी के साथ हम आज के ये सभा यहीं पूर्ण करते हैं, और मुझे लगता है कि आज हम कुछ भागों में तैयार हुए हैं कल के उत्सव को मनाने के लिए, और शिव को धारण करने की क्षमता हमें आज जो विकसित हुई है उसे बचाए रखें, ताकि कल का दिन जो है हम वहां उपस्थित होकर के उसका साक्षात करने का प्रयास करें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका एक बार पुनः आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोग जो ऑनलाइन जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग भी मीटिंग अब छोड़ सकते हैं। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, आप ऑनलाइन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।